Class now open your file. Your number 2 third, page number 38. Questions true false. The oceans and seas are a major source of food. True. Whales are not fish but warm blooded. Blooded. True. Yes. In winter the land gets very hot. False. The equator is 0 degrees. True. The sun heat up the rock in the night. False. रात में तो यानी कि हवा भी ठंडी हो जाती है तो रो हीट अप नहीं करता. शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द सेवन कॉन्टिनेंट. सेवन कॉन्टिनेंट के नेम, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप. डिफाइन पैंगिया. पैंगिया मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो देयर वर ओनली वन ह्यूज लैंड मैस ऑन अर्थ विच जियोलॉजिस्ट नाउ कॉल्ड पैंगिया. मतलब सिर्फ एक लैंड मैस था जिसे हम पैंगिया बोलते थे. फिर साइंटिस्ट मतलब जियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो है ये पैंगिया. ठीक है, नाउ टर्न द पेज. ओरिजन. ओरिजन क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सीवीड इन अ सब्सटेंस कॉल्ड ओरिजन. सीवीड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ओरिजन में होता है. दिस इज द केमिकल विच इज यूज फॉर थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम, सैलड क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स. इन चीज़ों को थिक करने के लिए यूज होता है. हाउ वेव्स आर फॉर्म. वेव्स कैसे बनती है. वेव्स आर यूजली कॉज बाय द विंड ब्लोइंग अलॉन्ग द सरफेस एंड पुशिंग द वाटर इन टू द हीप. डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. द लाइन्स गोइंग राउंड द पैरेलल विद द इक्वेटर आर लैटिट्यूड. द वंस गोइंग थ्रू द पोल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. डिटेल वंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीज एंड ओशंस टू पीपल लिविंग ऑन आइलैंड एंड कोस्टल एरियाज. दे आर द सोर्स ऑफ रेन, बारिशों का जरिया. ऑन विच द वर्ल्ड डिपेंड्स फॉर क्रॉप्स एंड लाइफ, जिसमें यानी पूरी दुनिया जो निर्भर करती है फसलें और जिंदगी. दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड. ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है. दे आर अ सोर्स ऑफ फूड, फिश एंड शेल फिश, सीवीड एंड प्लांकटन. मतलब जो ये प्लांकटन जो होते हैं वो स्मॉल फिशेज होते हैं. अच्छा, क्या करती है ये फूड फिश यानी कि खुराक मुहैया करती है. इट सप्लाइज मिनरल लाइक ऑयल एंड गैस. ये मिनरल्स मारते हैं अभी यानी कि सप्लाई करते जैसे ऑयल और गैस ही मतलब जमीन के नीचे से निकलते हैं. हाउ डू ओशंस अफेक्ट टेम्परेचर लैंड. ओशंस किस तरह से यानी कि अफेक्ट करते हैं जमीन पर मौजूद दर्जात को. The difference in temperature of water are constantly being stirred up by currents which carry warmer and cooler water from one place to another. Because of this, part of the land near the sea are usually cooler in summer and warmer in winter. This is largely due to the winds which blows to the land from the sea. क्या होता है कि मतलब जो करीबी एरिया होता है वहाँ पर फिर मौसम जो होता है वो टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है. ठीक है, और गर्मियों में ज़्यादा, गर्मियों में कम होता है और सर्दियों में ज़्यादा होता है. तो ये मतलब टेम्परेचर में चेंजेस जो है वो इसके मतलब ओशन के करीब होने की वजह से भी होते हैं और करंट्स की वजह से भी होते हैं. अब आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ब्लैंक्स भी लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं. टेक केयर एवरीवन.